हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। और आइए बात करते हैं, आज 7 जनवरी 2020 दिन गुरुवार हो गया है और जानते हैं आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आज के मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट में जानेंगे सरकार के कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं। कोरोना वायरस की महामारी के बाद अब कई राज्य सरकारों ने फिर से स्कूल कॉलेज वगैरह को खोलने का फैसला लिया है। आखिर किस राज्य में किस तारीख से स्कूलें खुलने जा रही, इसको लेकर भी कुछ अपडेट में आपको बताऊंगा और काफी एजुकेशनल खबरें भी हैं। एडमिशन कार्ड, आंसर की, एग्जाम डेट्स वगैरह को लेकर भी कुछ खबरें हैं जानेंगे। साथ ही आज के ताजा सोना चांदी और पेट्रोल के रेट्स भी क्या चल रहे हैं और मौसम समाचार के अपडेट भी जानेंगे। तो आइए फटाफट से नजर डालते हैं आज की एक एक करके तमाम 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर। बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि सभी खबरें बहुत ही इंपोर्टेंट काम की है ना। सीधे बात करें पहले अपडेट की तो देखिए जरा, 8 फरवरी नोट कर लें इस तारीख को। जी हां, आपका व्हाट्सएप खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखते हो तो। दरअसल बात क्या है, तो बात कुछ यूं है ना कि व्हाट्सएप जो है ना दोस्तों, इसने अपनी नई प्राइवेसी एंड पॉलिसी जारी की है। टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी आपको अब हो सकता है व्हाट्सएप खोलोगे तो पॉपअप देखने को मिल भी गया होगा या आ भी जाएगा एक दो दिन में आपके मोबाइल पर। तो वहां पर अगर आप एग्री बटन नहीं दबाओगे ना तो फिर व्हाट्सएप का अकाउंट आपका खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। 8 फरवरी से ही ये नई प्राइवेसी पॉलिसी जारी हो जाएगी और इससे पहले आपको इस प्राइवेसी पॉलिसी को एग्री यानी कि सहमति देना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, पेटीएम ने पर्सनल लोन की सर्विस भी लॉन्च कर दी है। जी हाँ, पर्सनल लोन यानी कि व्यक्तिगत लोन भी अब आप पेटीएम के जरिए ले पाओगे और वो भी महज कुछ ही मिनटों में। 2 मिनट में आपको 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल जाएगा और वो भी 18 से 36 महीनों तक की EMI यानी कि वैलिडिटी के ऑप्शन के साथ में मिलेगा आपको। दरअसल दोस्तों पेटीएम कंपनी की तरफ से ये नई सुविधा लॉन्च की गई है, पर्सनल व्यक्तिगत लोन आपको 2 लाख रुपए तक का पेटीएम के जरिए मिल जाएगा ना। जिस तरह से बैंकों से पर्सनल लोन मिलता है ना उसी तरह से अब डिपेंड करेगा ये आपकी पेटीएम की शॉपिंग वगैरह या ट्रांजेक्शन वगैरह, आपके क्रेडिट स्कोर क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको लोन मिलेगा। और बाकी 18 से 36 महीनों तक यानी कि ऑलमोस्ट 3 साल तक में आप इस लोन को पे कर सकते हो। तो ये पेटीएम की तरफ से नई सुविधा लॉन्च कर दी गई है। ओके चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, अर्थशास्त्रियों से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। इस बार बजट में हेल्थ सेक्टर पर खास फोकस होगा। दरअसल आपको पता होगा हर साल की तरह इस बार भी फरवरी में बजट पेश होगा और इसी बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आगामी बजट पर विचार विमर्श करने के लिए जो हमारे देश के इकोनॉमिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे और देखते हैं इस बार कोरोना महामारी के बाद ये सरकार का जो पहला बजट आने जा रहा है तो आखिर कैसा क्या कुछ बदलाव हमें बजट में देखने को मिलते हैं। जो कोई भी हाईलाइट्स होंगे मैं आपको बता दूंगा। अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर भी है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है भारत। 2022 तक 50 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न भारत से जुड़ जाएंगे। देखिए इंडिया के लिए कितनी अच्छी गौरव की बात आ रही है, मतलब कि भारत जो है ना वो इस समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। वर्ल्ड्स मोस्ट थर्ड स्टार्टअप इकोसिस्टम इज इंडिया, दैट्स ग्रेट राइट। जी हाँ, हम सभी भारतीयों के लिए भी ये बड़े ही गौरव की बात है कि दोस्तों हमारा भारत जो है ना वो दुनिया के टॉप 3 इन देशों में आता है। तो अगर आप एक सच्चे इंडियन से भारतीय नागरिक होने के नाते एक लाइक तो बनता है यार, हिंदुस्तानी होने के नाते लाइक ठोक दीजिए फटाफट से। और अपना आगे बढ़ जाते हैं अगली खबर में जहाँ अपडेट देखिए, 5 लाख तक का कारोबार करने वालों को खास तोहफा है। इस राज्य में अब आप रिफंड का क्लेम भी कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों हरियाणा राज्य के छोटे कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। अब छोटे कारोबारियों को राज्य सरकार ने साल 2021 नए साल में तोहफा दिया है। हरियाणा गवर्नमेंट का कहना है कि वह हर साल 5 लाख रुपए तक के कारोबार वाले छोटे व्यापारियों को बाजार फीस में 1% की छूट देगी और इस बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हरियाणा कृषि उपज बाजार नियम 1962 में जरूरी संशोधन भी किए जाएंगे और एटलीस्ट हरियाणा में जो 5 लाख तक के बिलों के जो कारोबारी है ना उनको ये 1% रिफंड का फायदा मिलेगा, ठीक है ना, अच्छी बात है। साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बड़ी खबर है, अब सोना खरीदने पर आपको अपनी पहचान बतानी होगी, मतलब कि आपकी आइडेंटिटी देनी होगी, आप कहां रहते हो, क्या करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी, क्योंकि देश भर के ज्वेलर्स ने ये फैसला लिया है। दरअसल कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद सोना चांदी की कीमतों में भारी उछाल भी देखने को मिला और सोने चांदी डायमंड प्लेटिनम स्टोन वगैरह ये धातुएं महंगी हो गई राइट। और ऐसे में अब देश भर के जो सोना कारोबारी है ना, गोल्ड ज्वेलरी कारोबारी है, उन्होंने फैसला लिया कि अगर आप कोई सोना चांदी खरीदते हो तो हालांकि आपको आपकी थोड़ी बहुत जानकारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, हरियाणा सरकार की तरफ से एक और अच्छा फैसला देखिए आप, 31 मार्च तक छूट के साथ आप प्रॉपर्टी टैक्स भर सकेंगे। पहले 31 दिसंबर तक थी ये छूट, तो अब ये वापस 31 मार्च 2021 कर दिए। दरअसल हरियाणा राज्य सरकार ने शहरवासियों को नव वर्ष पर एक तोहफा दिया, अब शहरवासी छूट के साथ 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं। इसके लिए सभी नगर परिषद व नगर पालिका के अधिकारियों के पास पत्र भी आ गया है। ये छूट 1 जनवरी से ही लागू कर दी गई है। अगर किसी व्यक्ति ने 5 जनवरी तक बिना छूट के प्रॉपर्टी टैक्स भर दिया था तो उसे भी छूट मिलेगी, ठीक है ना। तो ये भी हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से एक और अच्छा फैसला है। साथ ही अगली खबर देखिए, असम राज्य सरकार
सरकार का फैसला दोस्तों, स्कूल जाने वाली हर बच्ची को रोज मिलेंगे 100 रुपए। आखिर वजह क्या बताएं? दरअसल आपको बता होगा, असम सरकार ने हाल ही में एक स्कूटी योजना वगैरह भी निकाली थी, मैंने आपको बताया भी था डीएलएस न्यूज के ऊपर खबर। और अब असम राज्य सरकार लड़कियों को पढ़ाई करवाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला लिए हैं। राज्य सरकार के फैसले के तहत असम में स्कूल जाने वाली हर छात्रा को कक्षाओं में शामिल होने के लिए प्रतिदिन 100 रुपए मिलेंगे। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक असम के शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की जा रही है। और इतना ही नहीं, राज्य सरकार जो 12वीं बोर्ड की परीक्षा में प्रथम श्रेणी पास होने पर, जो मैंने आपको बताया था, प्रज्ञान भारती योजना के तहत 22,000 रुपए की एक एक स्कूटी भी देगी। तो ये वाकई में असम सरकार की तरफ से लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा फैसला भी है। और चलिए फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों, कुछ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े अपडेट मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। जनवरी के महीने में नववर्ष के तोहफे के तहत होंडा कंपनी जो अपने ग्राहकों को 2.5 लाख रुपए तक की छूट दे रही है। होंडा की अगर आप कोई कार वगैरह खरीदते हो ना, तो आपको 2.5 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है, जैसे होंडा अमेज वगैरह वगैरह, ठीक है ना। कई सारे मॉडल्स पर आपको ऑफर देखने को मिल जाएगा जनवरी महीने में। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर और एक खबर है कि रेनॉल्ट काइगर का इंतजार भी अब खत्म हो चुका है। इसकी तारीख अनाउंस हो चुकी है कि आखिर किस दिन ये लॉन्च होगी। तो दरअसल मैं आपको बता दूं, 28 जनवरी 2021 को रेनॉल्ट कंपनी अपनी नई मोस्ट अवेटेड कार रेनॉल्ट काइगर को लॉन्च करने जा रही है। हालांकि ये क्विड से थोड़ी मिलती जुलती ही होगी, KIGER है ना। देखते हैं आगे और कंपनी की इसकी प्राइस वगैरह क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, ऑटो इंडस्ट्री को लेकर और एक खबर है कि जीप कंपास का फेस लिफ्ट वर्जन भारत में आज लॉन्च होगा। बड़े बदलाव के साथ आपको कई खास फीचर्स भी मिलेंगे। तो आज ये भी जीप कंपास का भी एक नया वर्जन लॉन्च होने जा रहा है। साथ ही मारुति भी अब आपको कई सारी कारें किराए पर भी देगी। जी हाँ, मारुति सुजुकी इंडिया कंपनी जो है ना, मतलब वो अब ग्राहकों के लिए एक नया ऑफर निकाले हैं। और तोहफा ये है दोस्तों कि अगर आप मारुति की कारें चलाने का शौक निकालना चाहते हो, अलग अलग कारें, ठीक है ना, तो अब आपको उन सभी कारों को बाय करने की खरीदने की जरूरत नहीं है। आप ऑफिशियली कंपनी के शोरूम से ही रेंट पर ले सकते हैं उन कारों को, कि एक महीना चलानी आपको, 2 महीना चलानी, 4 महीना, 6 महीना, जो कुछ भी रेंट पर ले सकते हो। हर महीने 12,000 रुपए के हिसाब से आपको इग्निस सिग्मा वगैरह भी रेंट पर मिल जाएगी। 48 महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, जिसमें अब आपको स्विफ्ट डिजायर हो गया, मारुति विटारा, ब्रिजा, अर्टिगा, बेलेनो, सियाज, एक्सेल 6, मारुति सुजुकी वगैरह वगैरह कई सारी, मतलब जो कारें हैं ना, वो कंपनी की आप किराए पर लेकर के शौक निकाल सकते हो आराम से, है ना। तो फिर खरीदने की क्या जरूरत है, अच्छी स्कीम है ये मारुति कंपनी की तरफ से। और साथ ही खेल समाचार को लेकर अपडेट है दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर अपडेट है दोस्तों। आज सुबह शुरू होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टेस्ट मैच। आखिर किसे और कब कहां देख पाओगे इसे आप? तो मैं आपको बता दूं, भारतीय टीम जो है वो 4 मैचों की सीरीज में बराबरी हासिल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेलने उतरेगी। और तीसरा टेस्ट मैच दोनों टीमों के लिए अहम होगा, क्योंकि जिसने भी ये मैच जीत लिया वह बढ़त हासिल करने के साथ ही सीरीज की हार का खतरा टालने में कामयाब होगा। तो ये मैच आज 7 जनवरी से लेकर 11 दिसंबर के बीच खेले जाएंगे दोनों टीमों के बीच। तीसरा टेस्ट मैच सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार सुबह 5 बजे मैच शुरू होगा। इससे आधे घंटे पहले 4:30 बजे टॉस हो जाएगा। तो ये खेल समाचार को लेकर अपडेट है, मतलब मैच अभी भी चालू है ना, आप ये वीडियो देख रहे हो तब। इसके अलावा दोस्तों, सिडनी टेस्ट के दौरान दर्शकों के लिए एक नियम होगा, मास्क पहनना जरूरी होगा। नहीं तो अगर आप बिना मास्क पहने मैच देखने भी चले जाते हो ना, दर्शक भी, तो भी आप पर जुर्माना लग सकता है, ठीक है ना। तो स्टेडियम में जाने से पहले, हालांकि स्टेडियम में 10,000 दर्शक ही जा सकेंगे, लेकिन सभी को मास्क पहनना कंपलसरी होगा। ओके, चलिए साथ ही खबर है, देखिए हज यात्रा को लेकर एक नियम है। मुख्तार अब्बास नकवी का ऐलान है, भारत से हज यात्रा करने वालों को दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा दोस्तों कि हज यात्रा पर जाने वाले लोगों को कोरोना का टीका लगाने की तैयारियां चल रही है। उन्होंने कहा कि 2021 की हज यात्रा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी ही है। तो अगर आप इस धर्म से संबंधित मुस्लिमों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है हज यात्रा, उस पर जाना चाहते हो, तो 10 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन कर लें। इसके अलावा वैक्सीन वगैरह की भी तैयारियां चल रही हैं इन लोगों के लिए, ठीक है ना, ताकि क्या कि ये हज यात्रा में भी जाएं तो अपने आप को सेफ सुरक्षित रख सकें। अच्छी पहल है सरकार की। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, हरियाणा सरकार का एक और बड़ा कदम देखिए दोस्तों। आप बैटरी से फराटा भरेगी सरकारी गाड़ियां, एम्बुलेंस, रोडवेज बसें वगैरह वगैरह। मतलब कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है ना, इन सभी सरकारी व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक करने जा रही है, समझ रहे हो ना। हरियाणा के सभी बोर्ड, निगम और सरकारी कंपनियों की गाड़ियां तथा एम्बुलेंस अगले 4 साल में इलेक्ट्रिक बैटरी से फराटा भरती दिखेगी। साल 2029 तक सभी रोडवेज बसों के साथ ही सभी प्राइवेट वाहनों को भी इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य हरियाणा गवर्नमेंट ने रखा है। प्रदेश सरकार ने प्रदूषण का कारण बने पेट्रोल और डीजल के वाहनों की जगह पर्यावरण अनुकूल वाहनों को प्रमोट करने के लिए नीति का ड्राफ्ट तैयार कर परिवहन विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक भी किया है। तो ये देखा जाए तो वाकई में हरियाणा गवर्नमेंट की एक नई और अच्छी पहल है। चलिए अगली खबर में बात करें, आज के मौसम समाचार को लेकर अपडेट है दोस्तों। उत्तर भारत में आज भी छाया रहेगा और कल भी छाया रहेगा कोहरा। राजधानी दिल्ली में 7 और 8 जनवरी को बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग की ये चेतावनी निकल कर आ रही है। दिल्ली में लगातार तेज बारिश और ओलावृष्टि अभी भी देखने को मिल रही है। पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी जमकर हुई है। वैसे संपूर्ण भारत का 7 जनवरी 2021 का मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय राज्यों पर मध्यम बारिश और हिमपात जारी रहने की संभावना है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ हल्की बौछारें देखने को मिल सकती है, जबकि हरियाणा,
पंजाब और दिल्ली में एक दो स्थानों पर 6 जनवरी की शाम या रात तक एक दो जगहों पर बारिश का अनुमान है। तटीय तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछारें भी पड़ सकती हैं। वहीं कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिण कोंकण गोवा और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तेलंगाना में छिटपुट बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये रहा आज का वेदर अलर्ट मौसम समाचार। और वहीं अब जान लेते हैं आज फटाफट से सोना चांदी और पेट्रोलियल के रेट क्या चल रहे हैं। तो पहले बात करें आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर, तो गोल्ड में आज गिरावट देखने को मिली है, चांदी महंगी हुई है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों सोने के भाव में 71 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई और उसके बाद अभी 99.9 ग्राम शुद्धता वाले सोने का नया भाव जो है वो 51,125 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी की कीमतों में आज 156 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई प्रति किलोग्राम पर और अभी चांदी का रेट 70,082 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया। तो ये तो रहा आज गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। अच्छा, वहीं बात करें पेट्रोल और डीजल के रेट की, तो 29 दिन बाद ये रेट बढ़े हैं। आपके शहर में क्या रेट चल रहे हैं तो जरा मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल की रेटों में और डीजल की रेटों में तकरीबन एक महीने बाद अब बढ़ोतरी देखने को मिली है। और बेसिकली अभी राजधानी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में पेट्रोल डीजल की रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ज्यादा जानकारी। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित कुछ खबरों में, जहां एक तो पहले मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस की महामारी के बाद और लॉकडाउन वगैरह के बाद अब कौन कौन सी राज्य सरकारों ने स्कूलें खोलने का फैसला लिया है ना। तो देखिए गुजरात, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान की सरकारों ने स्कूलों को खोलने का ऐलान किया है, जिसमें गुजरात में 11 जनवरी से तो पंजाब में आज से ही स्कूलें खुल जाएगी। ठीक है, गुजरात में तो 11 जनवरी से और पंजाब में 7 जनवरी से स्कूलें खुलने जा रही हैं। हालांकि पंजाब में 5वीं से लेकर 12वीं तक की छात्र छात्राओं के जो स्कूल हैं वो आज से खुल जाएंगे। ठीक है ना, 5वीं से 12वीं तक। और बाकी कोविड के प्रोटोकॉल्स रूल्स वगैरह वही लागू होंगे, मास्क लगाकर जाना जरूरी होगा, आधे स्टूडेंट्स ही कक्षा में बैठ पाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सभी रखना भी कंपलसरी होगा। और इसके अलावा राजस्थान राज्य में 18 जनवरी से स्कूलें खुलने जा रही है, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह भी खुल जाएंगे 18 जनवरी से। ठीक है ना, यहाँ पर भी रूल्स वही होंगे, अधिकतम 50% उपस्थिति ही रख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों वैक्सीन को लेकर बहुत ही अच्छी अपडेट और अच्छी खबर आप देख सकते हैं, 8 जनवरी को हर जिले में होगा वैक्सीन का ड्राई रन, कल राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की अहम बैठक भी है। दरअसल देश में अगले सप्ताह से यानी कि वैक्सीन की प्लानिंग बन रही है 8 तारीख से और वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होना है। इससे पहले 8 जनवरी को पूरे देश में एक साथ वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा, रिहर्सल एक बोले तो ड्राई रन मतलब रिहर्सल जो होता ना वे। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश के हर जिले में ड्राई रन कराने का मकसद है कि वैक्सीनेशन के दौरान आने वाली दिक्कतों की पहचान करना। इधर वैक्सीनेशन से पहले गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सभी राज्यों और यूटी के स्वास्थ्य मंत्रियों से चर्चा वगैरह भी करेंगे। तो ये कुछ प्लानिंग चल रही है। और साथ ही अपडेट है दोस्तों, WHO का भी अलर्ट है, 41 देशों में पहुंच चुका कोरोना का नया स्ट्रेन, जो ब्रिटेन में नया स्ट्रेन पाया था ना वो 41 देशों तक पहुंच चुका। जरा देखिए अब लोगों को और भी ज्यादा अलर्ट किया। और हाल ही में मैंने आपको वैज्ञानिकों की रिसर्च भी बताई थी कि जो कोरोना का पुराना वायरस है उससे जो नया स्ट्रेन है और भी ज्यादा शक्तिशाली है, मतलब तेजी से फैलता है ये वगैरह वगैरह, तो आप स्पेशली ध्यान रखें इन बातों का। चलिए साथ ही अपडेट है दोस्तों, बर्ड फ्लू को लेकर भी खतरा चल रहा है। आपको पता होगा बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया और दिल्ली में कंट्रोल रूम वगैरह भी बनाए थे। 6 से भी ज्यादा राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद राज्य सरकारें भी अलर्ट पर हैं। और बर्ड फ्लू पर वैसे मैंने शाम को एक सेपरेट वीडियो भी डाला था, जिसके लक्षण क्या होते हैं दोस्तों और किस तरह से आप इससे बचाव कर सकते हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल दिया जा रहा हूं, तो वहां से चेक कर लीजिएगा अगर आप बर्ड फ्लू पर ज्यादा जानकारी पाना चाहते हैं तो, क्योंकि अभी मैं यहां पर आपको संपूर्ण इन्फॉर्मेशन बताऊंगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, आपको भी पता है। वैसे बर्ड फ्लू के मामले जो अभी देखे जा रहे हैं उन राज्यों में शामिल हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, गुजरात वगैरह वगैरह। ठीक है ना, तो सावधान रहे आप प्लीज। और बाकी तमिलनाडु सरकार की ये प्लानिंग है दोस्तों कि 100% दर्शकों के साथ फिर से सिनेमाघर वगैरह भी खुलने जा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का ये कहना है कि आदेश को वापस लें क्योंकि इससे कोरोना का माहौल बढ़ सकता है। अब देखते हैं तमिलनाडु सरकार अपने आदेश में चेंज करते बदलाव करते हैं या क्या कुछ, जो भी अपडेट आएगा मैं बता दूंगा। और बाकी भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो शाम को 9 बजे तक के जो आंकड़े हैं कल के, उनके अनुसार दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान 12,000-12,500 से लगभग नए मामले देखे गए और कुल संक्रमितों की संख्या 1,03,88,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 2,24,000 एक्टिव केस चल रहे यानी कि सक्रिय हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है, जबकि 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग भारत में ठीक भी हो चुके हैं। वहीं मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 1.5 लाख से भी ज्यादा पहुंच चुका है, जो मैंने आपको कल ही बताई दिया था। ठीक है, और वहीं किसान आंदोलन को लेकर खबरें क्या चल रही है, तो किसान आंदोलन को लेकर आपको पता होगा सरकार और किसानों के बीच अभी कल ही 4 तारीख को भी बैठक हुई थी परसों के रोज, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल पाया। अब 8 जनवरी को वापस बैठक होने वाली है। और इसके अलावा किसानों का तो ये भी कहना कि 8 तारीख को भी अगर किसानों और सरकार के बीच कोई बातचीत का फैसला नहीं बन पाता तो फिर आपको पता होगा इस बार 26 जनवरी पर दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर पर रैलियां निकलेगी, जब गणतंत्र दिवस मना रहा होगा हमारा देश तब, तो उन रैलियों को लेकर देखिए जरा आप, महिलाएं भी ट्रैक्टर चलाना सीख रही हैं, गणतंत्र दिवस पर किसान जो है दिल्ली मार्च करेंगे, मतलब महिलाओं का भी किसानों का हौसला देखिए, वो भी ट्रैक्टर चलाना सीख रही है ताकि वो अपने आंदोलन का हिस्सा बन सके। तो ये कुछ किसान आंदोलन को लेकर चर्चाएं चल रही है। इसके अलावा
11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर। अब देखते हैं सरकार अपनी तरफ से क्या दलील रखती है और किसान भाई लोग सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील रखते हैं और उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से इस मसले पर क्या फैसला देखने को मिलता है। जो कोई भी अपडेट आएगा 11 जनवरी को सुनवाई में मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अपन नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों में जहां अपडेट देखिए। टेक्नोलॉजी को लेकर एक अच्छी खबर है दोस्तों, अब 5G स्मार्टफोन जो है ना वो आपको सस्ते मिलेंगे। पता है क्यों? क्योंकि क्वालकॉम जो है ना प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी स्नैपड्रैगन, उसका स्नैपड्रैगन 480 5G प्रोसेसर लॉन्च किया और वो भी सस्ते में है ना। तो 5G प्रोसेसर सपोर्ट करने वाले मोबाइल्स भी अब आपको सस्ते ही देखने को मिलेंगे, जाहिर सी बात है। और वैसे भी इस बार रिलायंस जियो ने भी 5G 2021 के मध्य तक लाने की घोषणा भी की है, तो देखते हैं वाकई में हमें साल 2021 में 5G देखने को मिलता है या नहीं। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। और बाकी अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी, इंग्लैंड व अमेरिका के इंजीनियर भी शेषनाग के आगे नतमस्तक हैं। इस मालगाड़ी का नाम है शेषनाग और ये भारत की बोले तो दुनिया की सबसे लंबी मालगाड़ी भी कह सकते हो इसे, भारत की सबसे लंबी तो है ही है। इस मालगाड़ी का तमगा प्राप्त कर चुकी शेषनाग और सुपर एनाकोंडा की ख्याति देश की सीमाएं लांघकर विदेशों तक भी जा पहुंची है। इंडियन रेलवे की मतलब देखिए आप गौरव की बात है। और अच्छा गौरव की बात तो है ही है, इसकी लंबाई कितनी मैं आपको बता दूं ना, शेषनाग 251 वैगन वाली 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी थी, मतलब तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी। अच्छा साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल शिक्षा से संबंधित खबरें मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। 15 साल से अटकी भर्तियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फैसला है। उत्तर प्रदेश में 3300 सुपरवाइजर और क्लर्क की भर्ती होगी। जहाँ आंगनबाड़ी की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही 3000 से भी ज्यादा सुपरवाइजर व क्लर्क LDC वगैरह की भर्ती करने जा रही यूपी गवर्नमेंट, अच्छी बात है। एकीकृत बाल विकास सेवा इसका अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भेजने जा रहा है। ये भर्तियां साल 2005 से अटकी हुई थी तो इस साल ये क्लियरिफाई होने की संभावना बन रही है, अच्छी पहल यूपी गवर्नमेंट की। इसके अलावा BCECE काउंसिल डेट को लेकर शेड्यूल जारी हो चुका, 8 जनवरी से इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी शुरू होने जा रही है। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी BCECEboard.bihar.gov.in पर जाकर के जानकारी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार का बिहार कंबाइंड इंटरेस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड को लेकर ये ऑनलाइन काउंसिल का शेड्यूल जारी हो चुका, ठीक है ना। और साथ ही खबर है रीट एग्जाम को लेकर, ग्रेड 3 में 32,000 पदों के लिए रीट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका, आवेदन 11 जनवरी से होगा। सिलेबस और योग्यता में भी कुछ बदलाव देखने को मिले तो आप ऑफिशियल वेबसाइट RPSC पर या rajdubo.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे 8 फरवरी तक, ठीक है ना। 11 तारीख से इसके फॉर्म भरने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। भर्तियां भी अच्छी खासी है, अगर आप मेहनत करते हैं तो सिलेक्शन भी हो सकता है। बेस्ट ऑफ लक आपको हमारी तरफ से, DLS न्यूज की तरफ से, सभी दोस्तों को, सभी भाइयों बहनों को जो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और एजुकेशन से संबंधित कुछ और खबरें भी हैं, जैसे कि झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी हो चुका है। परीक्षा के पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ तो आप मॉडल प्रश्न पत्र जरूर चेक करें, ठीक है ना। JSE का 10th एग्जाम 2021 को लेकर अपडेट है, इसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मॉडल प्रश्न पत्र देखने को मिल जाएंगे। साथ ही और एक खबर है, लखनऊ विश्वविद्यालय के BA BSc BCom की बैक पेपर की परीक्षाएं 15 जनवरी से होगी, तो आप एडमिशन कार्ड वगैरह भी डाउनलोड कर लें ऑफिशियल वेबसाइट से। इसके अलावा यूपी बोर्ड जो है वो 10,000 रुपए की छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरने की तारीख को 5 फरवरी तक कर दिए, तब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। दरअसल यूपी बोर्ड की 2020 की इंटरमीडिएट परीक्षा विज्ञान वाणिज्य कला वर्ग में क्रमशः जो इतने अंकों से पास होने वाले छात्र जो है वो 10,000 रुपए सालाना छात्रवृत्ति के लिए 5 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है www.scholarships.gov.in के जरिए स्टूडेंट्स ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ओके। साथ ही खबर देखिए दोस्तों, RRB NTPC एग्जाम 2021 को लेकर भी अपडेट है, एग्जाम डेट जारी हो चुके हैं, लिंक एक्टिव हो चुका है RRB की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए, आप चेक कर सकते हैं इसको। NTPC फेज 2 परीक्षा की तारीखें, सीट और एग्जाम सिटी वगैरह क्या है, ठीक है ना, तो आप लॉग इन करके वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। RRB की जो कोई भी रीजन की डिटेल आप चेक करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर रीजन की वेबसाइट पर आपको ये जानकारी देखने को मिल जाएंगी, है ना। और इसके अलावा JEE एडवांस डेट को लेकर भी खबर है कि आखिर कब होगी JEE एडवांस की परीक्षा, क्या होगी IIT में एडमिशन की योग्यता, इस पर भी आज खुद शिक्षा मंत्री निशंक घोषणा कर देंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जो है 7 जनवरी को शाम 6 बजे JEE एडवांस परीक्षा 2021 की तारीखों का ऐलान करेंगे। शिक्षा मंत्री जो है वो वेबिनार के जरिए IIT में एडमिशन के लिए जो जरूरी योग्यता और नियम है उनकी भी जानकारी देंगे, तो आप जरूर शाम 6 बजे चेक कर लीजिएगा। मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर भी बता दूंगा अलग से वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और इसके अलावा काउ साइंस एग्जाम 2021 पर भी अपडेट देखिए, गो विज्ञान पर होगी राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन परीक्षा, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने इस बात की घोषणा की है। जी हाँ, दरअसल RKA जो है ना राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, उसने देसी गायों और इसके लाभ के संबंध में छात्र छात्राओं व नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है। इस परीक्षा का आयोजन 25 फरवरी 2021 को किया जाएगा। परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी जिसका नाम होगा गो विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा, ठीक है ना। तो आप भी चाहें तो उसमें हिस्सा ले सकते हैं और गाय से संबंधित ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो कोई भी स्टूडेंट इसमें हिस्सा ले सकता है, ओके। और एजुकेशन को
लेकर और एक लास्ट खबर है जो मैं आपको बता दूं, IBPS ISO के प्रीलिम्स के रिजल्ट्स भी जारी हो चुके हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे आप ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in के जरिए रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अच्छा, आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए। एक तो इलेक्शन कमीशन ने 3 राज्यों में विधान परिषद के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, पूरा शेड्यूल आप देख लीजिएगा। दरअसल चुनाव आयोग ने बुधवार को आंध्र प्रदेश और बिहार में विधान परिषदों की 3 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 12 सीटों के लिए भी चुनाव का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग के अनुसार ये चुनाव 28 जनवरी को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच होंगे और मतों की गिनती भी उसी दिन शाम 5 बजे होगी। चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 18 जनवरी है। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों, चीन से तनाव के बीच भारत और फ्रांस 7 जनवरी को करेंगे सामरिक वार्ता। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे डोभाल। आपको बता दूं, भारत और फ्रांस के बीच 7 जनवरी को राजधानी दिल्ली में वार्षिक सामरिक वार्ता भी होगी। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA अजीत डोभाल और भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे, जबकि फ्रांसीसी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो है वो फ्रांसीसी राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुएल बोने करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कि भारत और फ्रांस के बीच होने वाली बातचीत में क्या फैसला आता है या क्या कुछ निर्णय डिसीजन आते हैं। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज पर। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं आप, अमित शाह का बड़ा कदम है, लद्दाख की विशेष पहचान कायम रखने के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया। दरअसल लद्दाख की सांस्कृतिक क्षेत्रीय संरक्षण और पहचान को बरकरार रखने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और लेह लद्दाख के प्रतिनिधि मंडल के बीच एक अहम बैठक हुई, जिसके बाद गृह मंत्री ने इन मुद्दों पर काम करने के लिए कमेटी का गठन करने का ऐलान किया है। अच्छी पहल है। और साथ ही खबर देखिए दोस्तों, कोरोना पर एक राहत की खबर यह है कि भारत जो है वो 8 महीनों के बाद टॉप 10 संक्रमित देशों की लिस्ट से बाहर हो चुका। अब भारत में सिर्फ 2.22 लाख ही एक्टिव मरीज बचे हैं, तो ये वाकई में राहत की बात है। इसके अलावा टीवी पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली लोगों पर अब खेर नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया। जो कोई भी टीवी पर अंधविश्वास को बढ़ावा देंगे ना, उन पर अब सख्त कार्यवाही की जाएगी। चाहे दोस्तों वो हनुमान चालीसा मंत्र हो, यंत्र हो, या गले में पहनने वाला एक लॉकेट हो जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपको मनचाही चीजें मिलेगी वगैरह वगैरह, तो ऐसे आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे है ना, तो उन पर अब सख्त कार्यवाही की जाएगी। अच्छी पहल है। और साथ ही खबर देखिए दोस्तों, रेलवे ने की एक और स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा। 100 से ज्यादा स्टेशनों के यात्रियों को इससे फायदा होगा। इंडियन रेलवे जो है वो एक और स्पेशल ट्रेन भी चलाने जा रहा है, जम्मू तवी योग नगरी ऋषिकेश साप्ताहिक विशेष ट्रेन, जिसके नंबर भी आप देख सकते हैं। 10 जनवरी से ये चलना शुरू हो जाएगी वगैरह वगैरह, जानकारी चेक कर लीजिएगा। और इसके अलावा झारखंड राज्य में कैबिनेट सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, केंद्र से बिजली खरीद पर बकाया भुगतान पर कुछ ऐसा किया। दरअसल झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने फैसला लेते हुए बिजली को लेकर भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, रिजर्व बैंक और राज्य सरकार के बीच केंद्रीय कंपनी से बिजली खरीद पर बकाए के भुगतान के लिए जो त्रिस्तरीय समझौता हुआ था, राज्य सरकार ने उससे बाहर निकलने का निर्णय लिया। तो इससे एटलीस्ट कुल मिलाकर के हो सकता है कि आपकी बिजली बिलों की कीमतों पर भी कुछ प्रभाव देखने को मिले। और बाकी दोस्तों, राजधानी दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से भी एक दिल्ली वासियों के लिए नई सौगात। देखिए, DTC बसों में सफर करने वाले और चलाने वालों को ये फायदा मिलेगा। दरअसल दिल्ली की केजरीवाल सरकार नए साल से पहले ही सप्ताह में एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। बुधवार को केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को लेकर एक बड़ा फैसला जो लिया, उसके अनुसार दोस्तों DTC की 1000 बसें और खरीदी जाएगी। और इसके अलावा दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की अध्यक्षता में दिल्ली परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक में इसको लेकर फैसला हुआ। कुल मिलाकर के आपको बसों की सेवाएं अब दिल्ली में आसानी से मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं कि भीड़ भाड़ वाली जगह या बसें नहीं आई टाइम पर वगैरह वगैरह, ठीक है ना। और बाकी दोस्तों, इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज का अपडेट, वीडियो यही फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों की एक साल में कुल कितने दिन होते हैं जब चांद पूरा फुल दिखाई देता है। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दे जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। और बाकी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।